YouTube चैनल मोनेटाइज अप्लाई कैसे करें ताकि आपके YouTube चैनल पे रियूज और रिपीटेटिव की समस्या से ना आ सके। तो देखिए फ्रेंड, नए यूट्यूबर 100 नए यूट्यूबर में से 40 नए यूट्यूबर को YouTube चैनल पे मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद रियूज और रिपीटेटिव की ऐसे समस्या से आया हुआ है। वो जैसे तैसे अपने YouTube चैनल पे 500 सब्सक्राइबर और 3000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं और मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद उनके YouTube चैनल पे रियूज या रिपीटेटिव की समस्या ऐसे आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे मोनेटाइजेशन अप्लाई कैसे करना है ताकि आपका YouTube चैनल ऐसे जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे एक YouTube चैनल है और ये YouTube चैनल एक लड़की का है जी, थोड़ा सा विकलांग है। उन्होंने मुझे बोला है कि भैया मेरे YouTube चैनल को आप ऐसे मोनेटाइज ऐसे करवा दो। तो इस YouTube चैनल पे जो जो थोड़े बड़े गलतियां था वो मैंने ऐसे सुधार किया था और आप ऐसे सोच नहीं सकते हो ये इतना जल्दी YouTube चैनल ऐसे मोनेटाइज होगा, आप सोच नहीं सकते हो। तो चलिए हम लोगों को ऐसे मोनेटाइजेशन कैसे अप्लाई करना है ताकि मेरा YouTube चैनल ऐसे जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो ये YouTube चैनल ऐसे बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होगा, तो चलिए हम आपको ऐसे बताएंगे और आपको ऐसे व्यूज और रिपीटेटिव की समस्या क्यों आता है वो भी आपको ऐसे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना होगा क्योंकि लाइक करने से तो आपको कुछ भी नहीं जाता है पर मेरा बहुत कुछ बन जाता है। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट तो आप हमें कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थोड़े से लेट होगा पर रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए कैसे मोनेटाइज करना वो आपको ऐसे बताते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से देखना ताकि ये समस्या आपके साथ भी ऐसे ना आ सके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं मोनेटाइजेशन आपको ऐसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना बस बच्चों का काम है, आपको ऐसे बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसको अप्लाई ऐसे कर सकते हो, लेकिन समझ के आपको ऐसे करना होगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई बटन दे रहा होगा, अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, हम लोगों को सिंपल से स्टार्ट पे क्लिक करना। स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपको ऐसे ऊपर टर्म कंडीशन आएगा तो ऊपर आपको करना है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पार्टनर प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा, उस पर फिल करना है और एक्सेप्ट पे आपको ऐसे क्लिक करना है। देखते देखते आपको ऐसे फर्स्ट स्टेप आपका ऐसे कंप्लीट हो चुका है जो कि इसमें कोई भी ऐसे कठिन वाला काम नहीं होता है। अब आता है सेकंड स्टेप जो कि आपको ऐसे ध्यान में यहाँ पे ऐसे रखना। अगर सेकंड स्टेप अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, फिक्स की प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे कौन सी गलती नहीं करना वो आपको ऐसे बताते हैं। तो फिर सेकंड स्टेप भी कंप्लीट करना ऐसे बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप ऐसे सही तरीके से ऐसे कंप्लीट करोगे तब। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे अब आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन, यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट फॉर यूट्यूब और एडसेंस अकाउंट, यानी कि आपके पहले से एडसेंस अकाउंट कोई क्रिएट करके रखे हो तो ऊपर सिलेक्ट करना। अगर आपके एडसेंस अकाउंट कोई भी क्रिएट नहीं किया है, आपने नया बना रहे हो तो यहाँ पे नो आई नीड टू क्रिएट वन, यानी कि आप एक एडसेंस अकाउंट नया ऐसे क्रिएट कर रहे हो। लेकिन आप देखो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसी एक ही गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग नए यूट्यूबर रहते हैं, शुरुआत ही आप अपना यूट्यूब चैनल ऐसे कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता होता है कि एडसेंस अकाउंट पहले बनता है या एडसेंस अकाउंट मोनेटाइज के समय बनता है। तो देखिए फ्रेंड, एडसेंस अकाउंट पहले भी बनता है और मोनेटाइज के समय ही बनता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे एडसेंस अकाउंट ऐसे अपने उस ईमेल आईडी से उस एड्रेस से डालकर एक पहले से एडसेंस अकाउंट ऐसे क्रिएट कर लेते हैं और जो मोनेटाइजेशन अप्लाई करते समय फिर से वन आई नीड टू क्रिएट पर क्लिक करके एक एडसेंस अकाउंट ऐसे क्रिएट कर लेते हैं उसी ईमेल आईडी से, तब उनके उनके चैनल पे जब प्रॉब्लम आता है इस तरह की प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप लोगों से देख सकते हो बहुत सारे लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम आया, सेट अप गूगल एडसेंस की प्रॉब्लम आ रहा है। एक साइड आपको फिक्स एडसेंस आएगा और चेंज की ऑप्शन आएगा जो कि ये आपको ऐसे बाद में देखने को आपको मिलेगा अगर आपने ऐसा पहले एडसेंस अकाउंट ऐसे क्रिएट किए हो तो। लेकिन इससे अगर बचना चाहते हो और आपको याद है कि मैंने एडसेंस अकाउंट ऐसे क्रिएट किया है तो ऊपर में ही आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम लोगों को ऐसे एक नया एडसेंस अकाउंट को ऐसे क्रिएट करना है तो हम लोग को क्रिएट करने के लिए नो आई नीड टू क्रिएट वन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपल से नीचे नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास ऐसे मोबाइल में जितने भी आपके ऐसे ईमेल आईडी होंगे वो आपको सब यहाँ पे ऐसे शो होने लगेगा। तो जिसके ऐसे आप ऐसे एक एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो उस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना चाहो तो आप अपने ऐसे यूट्यूब चैनल जिस ईमेल आईडी से है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल से चलिए मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कंट्री के ऑप्शन आ रहा है तो हम लोगों को ऐसे यहाँ पे छोटा सा एरो कॉर्नर में मिल रहा होगा, उस एरो पे आपको क्लिक करना है।
जैसे उस एरो पे क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारे आपको ऐसे कंट्रीज दिख जाएंगे। आप जिस कंट्री से हो, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सिलेक्ट करूंगा, अगर आप पाकिस्तान से हो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हो जहां से हो वहां आप सिलेक्ट कर लेना, मैं इंडिया हूँ इंडिया सिलेक्ट कर लिया हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन अब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आई हैव रीड एंड रिसीव्ड द एग्रीमेंट का ऑप्शन आएगा, सिंपल से टिक आपको कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे एक ऑप्शन आएगा, सेट अप अकाउंट के ऑप्शन आएगा। सिंपल से आपको ऐसे क्या करना है, सेट अप अकाउंट जो ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे फ्रेंड, अब आपको थोड़ा सा लोड लेगा और कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों को ऐसे ध्यान में आपको ऐसे रखना है, यहाँ बिल्कुल आसान है, आपको कोई कठिन वाला काम नहीं है। आप लोग ऐसे डर जाते हो थोड़े से यहीं पे, लेकिन यहाँ पे आपको सही तरीके से भरोगे तब आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है नेम, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने नेम के अंदर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना ऐसे यूट्यूब चैनल का ही से नेम ऐसे दे देते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल का नेम आपको नहीं देना है, आपको गवर्नमेंट आईडी के ऊपर है, यानी कि आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड पर जो भी नेम है वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे मैं डाल रहता हूँ, यहाँ पे जो रियल नेम है उनका, जिनका चैनल मोनिटाइज करा उनका डाल दिया हूँ। और यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेकंड एड्रेस का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद टाउन एंड सिटी, पिन कोड, स्टेट, और उसके बाद फोन नंबर ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है तो आपको डालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तो चलिए सब चीज़ मैं ऐसे डाल के आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे सब चीज़ ऐसे डाल दिया हूँ, आप लोग ऐसे देख कर ऐसे भर सकते हो अपना एड्रेस। यहाँ पे मैं हाइड नहीं किया हूँ, और वैसे हाइड नहीं किया हूँ तो इनका चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम भी ऐसे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेम एड्रेस में वही सेम नेम डाल दिया हूँ, उसके बाद टाउन सिटी, उसके बाद ऐसे पिन कोड जो आधार कार्ड के पीछे होता है वो डाल देते हैं, स्टेट जो भी स्टेट होगा वो डाल देते हैं। यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, उसके बाद फोन नंबर ऑप्शनल है तो मैं ऑप्शनल ऐसे डाल भी सकते हो नहीं डाल सकते हो। तो चलिए मैं डाल देने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद थोड़ी देर में आपको ऐसे इस तरह से रिडायरेक्ट टू यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा। हम लोगों को ऐसे क्या करना है, रिडायरेक्ट टू यूट्यूब पे क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे थोड़ा सा आपका समय लेगा, और समय लेने के बाद आपका ऐसे डायरेक्ट आपका ऐसे सेकंड स्टेप आपका ऐसे इन प्रोसेस में आपका ऐसे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे इन प्रोसेस में ऐसे आ गया है। अब देखिए फ्रेंड, करीबन ऐसे 7 घंटे बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है ऐसे वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने ऐसे अप्लाई किया था ऐसे इन प्रोसेस में या 9 बजे था, और यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अभी ऐसे 4 ऐसे बज गया है, यानी कि हमारा ऐसे 7 घंटा हमारा ऐसे लगा हुआ है। लेकिन आपका हो सकता है 2 दिन भी 3 दिन भी लग जाए, हो सकता है आपके चैनल के ऊपर ऐसे डिपेंड करें। लेकिन मैंने इसको सब चीज़ ऐसे सही किया था, इसके वजह से ये जल्दी ऐसे हो चुका है। अब आपका ऐसे YouTube चैनल ऐसे गेट रिव्यू में ऐसे गया है। अब आपके चैनल के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा कि आपने ऐसे किसी और का ऐसे वीडियो तो यूज नहीं किया अपने YouTube चैनल के अंदर, या आपने ऐसे किसी का म्यूजिक तो नहीं यूज किया, या आपने ऐसे किसी का ऐसे कुछ भी नहीं अगर आपने यूज किया होगा तब आपका YouTube चैनल पे ऐसे रिव्यूज की समस्या नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे किसी का म्यूजिक यूज किया या वीडियो यूज किया, क्लिप यूज किया, तो रिव्यूज कॉन्टेंट आपके चैनल पे आ जाएगा। अब रिपीटेटिव कंटेंट क्यों आता है, तो रिपीटेटिव कंटेंट तब आता है जब आप ऐसे एक ही जैसे थंबनेल आप बनाते हो, एक ही जैसे वीडियो को आप ऐसे बनाते हो, या किसी और का वो थंबनेल है वो डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देते हो, इसकी वजह से भी रिपीटेटिव कंटेंट ऐसे आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे थंबनेल की वजह से ही रिपीटेटिव आता है, क्योंकि एक ही जैसा मिलता जुलता आप ऐसे थंबनेल बनाओगे उसके वजह से रिपीटेटिव आता है, और एक ही जैसे वीडियो को बनाने की वजह से भी ऐसे रिपीटेटिव आता है। तो ध्यान में रखना, अगर एक ही जैसे वीडियो बनाते हो तो आप उस वीडियो को ऐसे डिलीट करके एक नया वीडियो ऐसे क्रिएट करना, और अगर आपने ऐसे किसी और का ऐसे म्यूजिक या वीडियो यूज किया है तो सभी वीडियो को आप ऐसे डिलीट करके ही अप्लाई करना, वरना आपके ऐसे योर चैनल इज नॉट करंटली एबल की अर्न की प्रॉब्लम आ जाएगा, और आपका ऐसे 30 दिन वेट करना पड़ेगा, और हो सकता है आपका बाद में चैनल भी मोनेटाइज ना हो। तो ध्यान में आप लोग ऐसे रखना। तो चलिए हम वेट करते हैं इनका चैनल ऐसे कब तक मोनेटाइज हो जाएगा। वैसे ये तो बहुत ही जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा, क्योंकि सब चीज़ मैंने इसका सही करके ही अप्लाई ऐसे किया हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोगों से लाइक कर देना। तो भाई लगभग ऐसे YouTube की तरफ से ऐसे 15 घंटे बाद हमारा ऐसे एक मेल आया हुआ है कुछ इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे YouTube चैनल का नेम लिखा होगा, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव द एक्सेप्टेड टू पार्टनर प्रोग्राम, इस तरह से मेल आया हुआ है। और हम लोगों का YTS स्टूडियो में जाते हैं, और यहाँ पे YTS स्टूडियो में आने के बाद आप लोग इसे देख सकते हो YouTube पे तरफ से यहाँ पे ऐसे मोनेटाइजेशन ऐसे ऑन कर दिया गया, यहाँ पे डॉलर वाला ऑप्शन ऐसे दे रहा है। फिलहाल में ये हाफ मोनेटाइज है फ्रेंड, अब ऐसे 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होगा, यानी कि अब ऐसे 1000 वॉच टाइम अब कंप्लीट होगा, और हम लोगों को ऐसे 500 और सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो ये फुल मोनेटाइज हो जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने चैनल को ऐसे मोनेटाइजेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने रियूज और रिपीटेटिव की समस्या से बचना है तो किसी और का वीडियो ऐसे डिलीट करके ही आप ऐसे अप्लाई करना, वरना आप 30 दिन वेट कर सकते हो, नहीं तो आपका होगा भी नहीं आपके चैनल ऐसे मोनेटाइज। तो ध्यान में आप लोग रखना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यार से कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।